बढ़ते खबरों में आगे, सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में होटल जूना महल के जनरल मैनेजर अभिजीत बैनर्जी के अपहरण मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी हर्षवर्धन ने बताया कि 12 फरवरी को शेरपुर हेलीपैड के पास होटल मैनेजर अभिजीत बैनर्जी कार सवार लोगों ने उनका अपहरण कर लिया था। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो टीम का गठन किया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बदमाशों ने मैनेजर से 1 लाख रुपए भी ले लिए थे। बहुत ही बेहतर प्रयास किए जिसके चलते हमने 8 मुलजिमों को दस्तयाब किया, जिसमें से 5 मुलजिम बापरदा हैं व 3 मुलजिम विशाल निवासी जयपुर, राम भजन निवासी कुंडेरा जिला सवाई माधोपुर, बंटी निवासी कुंडेरा जिला सवाई माधोपुर। ऐसे 8 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 8 व्यक्तियों की भूमिका प्रकरण में शामिल होना पाई गई है। इन बदमाशों ने कुछ समय पहले से ही रेकी करना शुरू कर दिया था और इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत रेकी करते हुए इन्होंने विक्टिम को उठाया, जिनके साथ मारपीट भी की गई। बदमाशों द्वारा जो एमओ है वो अलग अलग, जब लोगों की रेकी करके किडनैप किया जाता है तो पैसे जो हैं वो अलग अलग विभिन्न राज्यों के विभिन्न अकाउंटों में लिए जा करके और मल्टीपल अकाउंट से ट्रेस होकर के इनके खातों पे आते हैं, जिससे कि मुलजिमों को पकड़ना व इनको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाए। जो इनके पूर्व में भी मारपीट, आर्म्स एक्ट व अन्य मुकदमे अन्य जिलों में और सवाई माधोपुर में भी दर्ज है। अग्रिम अनुसंधान जारी है और जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा और तथ्य सामने आएंगे अलग अलग टीमों। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।